वेलकम टू ऑल व्यूवर्स, सभी का स्वागत है इस चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हैं। और आज इस YouTube वीडियो की कड़ी में पार्ट 2, चैप्टर 4, ओके, द लिटिल फॉर ट्री। दिस चैप्टर द लिटिल फॉर ट्री। ऑलरेडी आई हैव टॉट दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वन डे अ मैजिशियन सेटी गॉट अंडर अ हैवी रेनफॉल। ही टुक शेल्टर अंडर अ ब्यूटिफुल फॉर ट्री। बींग थैंकफुल ही आस्क द फॉर ट्री दैट ही वुड ग्रांट इट्स 4 विशेज। सो इट विश्ड फॉर ग्रीन लीव्स लाइक अदर ट्रीज बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हिज ऑन लीव्स। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड बट सून आई गॉट ईट ऑल द ग्रीन लीव्स। नाउ द फॉर ट्री विश्ड फॉर गोल्ड लीव्स बट सम थीव्स स्टॉल द गोल्ड लीव्स। थीव्स मतलब होता है चोर, चुरा लेते हैं। नाउ ही विश टू हैव ग्लास लीव्स बिकॉज मैन डू नॉट स्टील दैम। स्टील मतलब चुराना। हाउ एवर विंड ब्लू स्ट्रांगली एंड इट ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स। फाइनली द फॉर ट्री वॉन्टेड टू हैव इट्स ऑल डीडल लाइक लीव्स एंड इट वॉज ओवर जॉयड टू गेट दैट। इसका मीनिंग आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए इस वीडियो का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 का। और इसके जो अभी आज का जो ये टॉपिक है, इसमें अपन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके वन बाय वन पेज नंबर से देखेंगे। पेज नंबर 27, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 27। ओके, लेट्स स्टार्ट। न्यू वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। न्यू वर्ड्स प्रिटी, नीडल्स। प्रिटी मीन्स ब्यूटिफुल। सी इज अ प्रिटी गर्ल। सी इज अ प्रिटी गर्ल। प्रिटी मीन्स ब्यूटिफुल। नीडल्स, नीडल्स मतलब सुइयां, नीडल्स। लीव्स पत्तियाँ, लीव्स मीन्स पत्तियाँ। एंड गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना। स्टॉल द पास्ट फॉर्म ऑफ स्टील। स्टॉल मतलब चुराना। दिस इज पेज नंबर 27। ओपन पेज नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन। नंबर वन इज टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करना है। द प्रीटी लिटिल फॉर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स। द प्रीटी लिटिल फॉर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बट जो फॉर ट्री, छोटा फॉर ट्री था, जो पाइन ट्री था, छोटा वाला जो ट्री था, वो खुश था। लेकिन जब गोल्ड की उसकी पत्तियां मिल गई तो वो खुश था। लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है आपको, देखो जो उसको टिक करना है। अ गोट केम अलोंग एंड एट देम। बकरी आई और गोल्ड की पत्तियों खा गई। नो, ऑल द लीव्स गोट वेट इन द रेन। सारी पत्तियां बारिश में भीग गई। नो, अ मैन स्टॉल देम। अ मैन स्टॉल देम। स्टॉल मतलब चुराना। तो गोल्ड की लीव्स से तो किसने चुरा लिया था? अ मैन स्टॉल देम। दिस इज राइट आंसर। टिक इन योर टेक्स्ट बुक। आफ्टर कंप्लीशन दिस वीडियो यू विल राइट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक फॉर योर रिवीजन एंड फॉर योर पीरियडिक टेस्ट एग्जाम्स ऑल्सो। नंबर बी, द फॉर ट्री वॉज सैड। फॉर ट्री वॉज सैड। सैड मीन्स होता है दुखी। इसका अपोजिट क्या होता है बच्चों? हैप्पी। वेरी गुड। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखें। जैसे मैंने पूछा कि अभी सैड का अपोजिट, तो आपको बताना हैप्पी। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माई चैनल टू अपकमिंग वीडियोज। द फॉर ट्री वॉज सैड। वो दुखी था बिकॉज इट हैड येलो लीव्स। क्या उसके पास येलो लीव्स थी? बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। उसके पास नीडल की जैसे पत्तियाँ थी। बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट। और वो छोटी थी।
तो इनमें से कौन सा होगा? नीडल, वेरी गुड। नंबर बी, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वेल डन। सी, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विथ द गोल्ड लीव्स, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विथ द गोल्ड लीव्स। फर ट्री गोल्ड लीव्स के साथ खुश नहीं था बिकॉज द गॉड्स केम एंड एट दैम अप, अ मैन स्टॉल दैम, द गोल्ड लीव्स ब्रोक। बिकॉज अ मैन स्टॉल दैम, बी, इसमें भी बी वाला सही है, इसमें भी बी वाला सही है, इसमें सी। तो ये आपको करने हैं, ठीक है, नोटबुक में इनको कीजिएगा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28, दिस इज पेज नंबर 28, ओके, पेज नंबर 28, ओपन है पेज नंबर 28। वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग, इन दिस टॉपिक वी विल रीड ऑपोजिट्स, ओके। बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स ऑपोजिट, सर्कल सर्कल ऐसे कर गोला, ओके। बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स अपोजिट, अपोजिट में सर्कल जो वर्ड उनको चेंज करना है। री राइट दीज सेंटेंसेस वन हैज बीन डन फॉर यू, वन हैज बीन डन फॉर यू, ओके। सो लेट्स चेक, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। सर्कल में क्या है? लाइट, क्या है? लाइट, एल आई जी एस टी, लाइट। लाइट मीन्स होता है हल्का, क्या होता है? हल्का। और लाइट का मीन्स होता है प्रकाश, जो हमें बल्ब से, ट्यूबलाइट से, एलईडी बल्ब से इनसे मिलती है ना लाइट, प्रकाश, सूर्य, सनलाइट, सनलाइट भी होता है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ओके, मून लाइट। सो पर हियर इन दिस सेंटेंस लाइट मीनिंग हल्का। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, द चेंज इन द अपोजिट, लाइट का अपोजिट क्या है? आई कैरी, आई कैरी अ हैवी बैग, आई कैरी अ हैवी बैग, एच ई ए वाई, एच ई ए वी वाई, हैवी, हैवी मीन्स क्या होता है? भारी, एच ई ए वी वाई, हैवी मीन्स भारी। सो री राइट द सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। सो नेक्स्ट नंबर टू, लेट्स राइट, रीना वॉन द रेस, वॉन, वॉन, डब्ल्यू ओ एन, वॉन, द पास्ट फॉर्म ऑफ विन, डब्ल्यू आई एन, विन, विन मतलब होता है जीतना, जीतना, और वन मतलब जीता, क्या? जीता। सो जीतना, कोई चीज हम जीते हैं तो विन बोलते हैं, अब कोई चीज हारते हैं, जीत का अपोजिट हार, लॉस्ट, एल ओ डबल एस, लॉस, एंड पास्ट फॉर्म इज लॉस्ट, एल ओ एस टी, लॉस्ट। सो हियर वी विल राइट, रीना लॉस, सॉरी, रीना लॉस्ट, एल ओ एस टी, लॉस्ट, रीना, एल ओ एस टी, लॉस्ट द रेस, रीना लॉस्ट द रेस, रीना लॉस्ट। सो विन का होता है वॉन, सेकेंड फॉर्म इज द पास्ट फॉर्म, एंड लॉस्ट का लॉस्ट। इज इट क्लियर? आगे चलें, ओके, वेरी गुड। नंबर थ्री, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, लव, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, लव मीन्स होता है प्यार, एल ओ वी ई, एल ओ वी ई, लव। लव का अपोजिट क्या होता है बच्चों, बताइए क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
hate, hate, hate. So here we will write I hate eating vegetables. I hate eating vegetables. Okay. उसके बाद नेक्स्ट आपका है डी. द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल. फुल मतलब भरा हुआ. भरा का अपोजिट खाली इंग्लिश में. राइट इन कमेंट बॉक्स एम्प्टी. ई एम टी वाई. ओके एम्प्टी. ई एम टी वाई एम्प्टी. ई एम सॉरी ई एम पी टी वाई. हियर फुल. ई एम पी टी वाई इसका प्रोनंसिएशन होता है एम्प्टी. ओके पी साइलेंट होता है. एम्प्टी पी इज द साइलेंट. एम्प्टी क्या बोलते हैं? एम्प्टी बोलते हैं. सो हियर आई विल राइट हियर दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी. ओके ई एम पी टी वाई एम्प्टी. एम्प्टी. ओके एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी. नेक्स्ट द ओल्ड मैन इज वाइज. द ओल्ड मैन इज वाइज. सो हियर वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान. द ओल्ड मैन इज फूल भी बोल सकते हैं या फिर अनवाइज भी बोल सकते हैं. यू एन डब्ल्यू आई एस ई और फूल बोथ आर राइट. ओके साथ साथ में लिखते रहिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखिए और उसमें लिखते जाइए. उसके बाद नोटबुक में करना है. चलो आज पॉज कर सकते हैं. बीच बीच में आगे चलते हैं. ओके नेक्स्ट देखिए नंबर टू. पेज नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 2. नाउ गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग अन और इम. अन और इम करके बताना है. ठीक है ये तो यू एन अन ऐड करना है या फिर आई एम. कौन सा सही होगा देखना हमें. ठीक है ऑपोजिट्स हैप्पी. हैप्पी एच ए डबल पी वाई गेस अन और एम. इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. अनहैप्पी. अनहैप्पी. नंबर टू पोलाइट. आई विल गिव 5 सेकेंड्स फॉर राइटिंग योर आंसर. Polite, impolite, impolite, seen, seen, unseen, proper, proper, improper, improper. इम्प्रॉपर. लकी. लकी मतलब भाग्यशाली. लकी अनलकी. अनलकी थोड़ा सा करेक्ट लिख देते हैं. एल यू सी के वाई अनलकी. नेक्स्ट पॉसिबल. पॉसिबल इम्पॉसिबल. वेरी गुड. इम
इम्पॉसिबल, इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, परफेक्ट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, हेल्दी, अनहेल्दी, हेल्दी, अनहेल्दी, सेफ, अनसेफ, पेशेंट, पेशेंस, पेशेंट, ओके, पेशेंट मीन्स धैर्य, पेशेंट मीन्स होता है धैर्य, पेशेंस से बना बेटा, पेशेंस द फर्स्ट फॉर्म, पेशेंस से पेशेंट, इम्पेशेंट, एंड पेशेंट का मीनिंग मरीज भी, रोगी भी होता है, PATIENT, PATIENT, पेशेंट अगर नाउन है तो उसका मतलब होता है मरीज या रोगी या सिक मैन, ओके, कोई बीमार होता है उसको बोलते हैं, या बीमार व्यक्ति, पेशेंट, लेकिन यहाँ पे ये नाउन नहीं है, वर्ब है, तो इसको बोलेंगे पेशेंट इज मीन्स धैर्य, ओके, धैर्य, प्योर, प्योर का इम्प्योर। नाउ यू कैन टेक स्क्रीन शॉट, अदरवाइज यू कैन पॉज योर वीडियो एंड यू कैन फिल इन योर टेक्स्ट बुक एंड आफ्टर यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो, ओके। नाउ आई एम मूविंग पेज नंबर 29, आई एम मूविंग पेज नंबर 29, सो प्लीज ओपन योर पेज 29, दिस इज पेज नंबर 29। पेज नंबर 29, रीड द पैराग्राफ। रीता लव्ड हर डॉग शेरू, एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ, बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। रीता लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। शेरू वॉज लॉस्ट, ही वॉज नाउवेयर टू बी फाउंड। रीता वॉज क्राइंग वेन शी रीच्ड होम, शी गॉट इंटू हर बेड, इंटू हर बेड, इंटू हर बेड, नॉट बेड, इंटू हर बेड, ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, कैन यू गेस हु इट वॉज, इट वॉज शेरू, वेरी गुड। रीता वॉज वेरी हैप्पी। गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। अब आपको जो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं बच्चों, इनके अपोजिट्स आपको लिखने हैं, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं इनके अपोजिट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो नंबर वन पे हम फाइंड आउट करते हैं, दिस इज पेज नंबर 29 है ये, लाउड, गो आउट, कम, एवरीवेयर, डाउन, नाउ हियर, लॉस्ट, क्राइंग, हैप्पी, ओके। तो इनके सबसे पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं इनके, लव्ड, लव्ड का अपोजिट होगा हेटेड, HATED, हेटेड पहले भी आ चुका है ना, पेज नंबर 20, पेज नंबर 28 पर भी आ चुका है, लव का अपोजिट हेट, तो यहाँ पे लव्ड है तो हेटेड। नंबर टू शेरू, गो आउट का होगा कम इन, क्या होगा, गो आउट का अपोजिट क्या होगा, कम इन, कम इन, ओके। एंड नेक्स्ट कम, कम का अपोजिट गो, फिर इसके बाद ब्लू में क्या है, एवरीवेयर, 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 एवरीवेयर का होता है नाउ हियर, नोवेयर,
एवरीवेयर नोवेयर, NOWHE नोवेयर, ओके एवरीवेयर नोवेयर, डाउन, डाउन का होता है अप, वेरी गुड, एंड नेक्स्ट इज लॉस्ट, लॉस्ट का होता है फाउंड, FOUND, फाउंड, लॉस्ट, फाउंड, लॉस्ट का फाउंड, नेक्स्ट है क्राइंग, क्राइंग रोना, तो फिर उसका हंसना, लाफिंग, लाफिंग, LUGHING, लाफिंग, एंड नेक्स्ट ये नाउ ईयर रह गया ना, अभी नाउ, नाउ नो वेयर, सॉरी, ये जो नो वेयर, नाउ वेयर नहीं है, नो वेयर है, नो वेयर का मतलब कहीं नहीं, एवरीवेयर, एवरी, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये दो सेंटेंस आपस में अपोजिट हैं। नेक्स्ट है क्राइंग का हो गया, हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा, सैड, हैप्पी सैड, ओके सैड। थोड़ा सा आपको दूसरे पेन से करके दिखा देता हूँ, रेड पेन से, एवरीवेयर एंड नाउवेयर बोथ आर अपोजिट वर्ड, बोथ आर अपोजिट वर्ड, ठीक है। एवरीवेयर नोवेयर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 हो गया वर्ल्ड बिल्डिंग का, इनमें आज हमने सारे अपोजिट्स सीखे हैं, ये अपोजिट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो नेक्स्ट क्लास होगी जो उसमें आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम्स में भी आप इसमें से आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से याद कीजिए अपोजिट्स को, कुछ डिफिकल्टीज या कुछ डाउट्स हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए। नेक्स्ट इज लेट्स राइट, लिखना है इसको हमें, लिखना है लेट्स राइट, री राइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें क्या यूज करना है, कैपिटल लेटर्स। अल्फ़ाबेट में एक तो होते हैं आपके ए बी सी डी, ये जो हैं कैपिटल लेटर्स होते हैं, और एक ये वाले जो होते हैं ना ए बी सी डी ई एफ, ये क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स, ओके। सो कैपिटल लेटर्स यूज करना है, आपको पता है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसके स्टार्टिंग में अपन कैपिटल लेटर्स यूज़ करना होता है। कोई भी नाउन होती है, नाउन, नाउन कैपिटल लेटर्स होता है, कोई भी नाउन हो जैसे किसी का नाम है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, ठीक है। अब फुल स्टॉप के बाद कोई सेंटेंस शुरू होता है तो भी वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। चलो अब देखते हैं, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर ए पिकनिक टू इंडिया गेट, देयर दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, ओके। सो मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग, फर्स्ट सेंटेंस का स्टार्टिंग जो था वो कैपिटल होता है, क्या लिखेंगे, वन, कैपिटल आ गया ना, वन सैटरडे, वन सैटरडे इज अ नाउन क्योंकि शनिवार दिन का नाम है, सैटरडे SATURDAY, तो ये भी कैपिटल आएगा, ये भी कैपिटल, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत, अमरजीत नाउन किसी का नाम है तो एक कैपिटल आएगा इसमें, अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर, लिटिल सिस्टर रानी नाम है, आर कैपिटल हो जाएगा, RANI, अमरजीत का ए कैपिटल, रानी का आर कैपिटल, वेंट फॉर पिकनिक, वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया, इंडिया गेट, ओके आई कैपिटल हो जाएगा, इंडिया गेट, अलग अलग, हाँ जी भी कैपिटल आ गया इसमें, जी इंडिया गेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें कैपिटल आएगा देयर, THER, देयर, तो ये टी कैपिटल आएगा, देयर दे सा डक्स, देयर दे सा डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड
राज नाम है, समझ में आ गया ना। कैपिटल लेटर्स नाउन जो होती है वो कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है, फर्स्ट वर्ड लेटर्स का कैपिटल होता है। और एंड व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस वी शुड यूज कैपिटल लेटर्स इन फर्स्ट वर्ड। ओके नेक्स्ट। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ऑल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गॉड्स, डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। सो हियर ओ ओ कैपिटल आएगा, ओ डियर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लिखा जाएगा, ओ डियर इन्वर्टेड कोमा में ना, ओ डियर ये जो वर्ड्स है इन्वर्टेड कोमा में, ओ डियर सेड द फॉर ट्री आई लाइक माई ऑल नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, बेस्ट के कोमा, फॉर गॉड्स डू नॉट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। लिखते हैं अभी, ओ डियर सेड द सेड द फॉर ट्री लेट्स राइट इन योर टेक्स्ट बुक, आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए अभी। आई थिंक मतलब पेन थोड़ा सा बैटरी डिस हो गई है पेन की। चलो चार्जिंग कम है थोड़ा। ओके तो इसको तो पूरा कर देते हैं अभी। सेट द फॉर ट्री आई लाइक माई ओल्ड, अभी कंप्लीट सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कॉमा आया हुआ, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गॉड्स डू नॉट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। तो यहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो जाएगा। ये किसी का सेंटेंस होता है, किसी का जो सेंटेंस होता है कोई भी कथन कर, जैसे डू एंड डाई, हु सेड, महात्मा गांधी जी, सो डू एंड डाई, ये जो इन्वर्टेड कोमा में आएगा ना, डू एंड डाई दोनों तरफ क्या लगेगा, इन्वर्टेड कोमा लगेगा। सेंटेंस जो कोई कथन किसी का स्टेटमेंट जब होता है वो इन्वर्टेड कोमा में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं पंक्चुएशन, ग्रामर में टॉपिक होता है पंक्चुएशन। ठीक है, एक क्लास उस पर भी बनाएंगे अपन, पंक्चुएशन पे अच्छे से एक क्लास बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आप इतने लिए इतना लिख लीजिए। ठीक है आगे चलते हैं, दिस इज पेज नंबर 30, ओपन पेज नंबर 30, लेट्स टॉक, बात करते हैं, चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक, पेज नंबर 30 पे आइए, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक। लुक एट द पिक्चर बिलो, ये जो पिक्चर दी गई है, इन द येलो बॉक्स देर आर 8 थिंग्स, 6 ऑफ देम यू कैन सी इन द पिक्चर, द अदर टू यू कांट सी, यू कैन नॉट, कांट, ओके कैन नॉट सी, राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी। चार चीज़ें आपको लिखने जो आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ जैसे बॉय, गर्ल, ट्री, डक्स, ओके प्लूरल है ना, डक्स, DUCKS, डक्स, देर आर टू डक, ओके। बाकी आप टिफिन लिख सकते हैं, मैट लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बट आई डोंट हियर फॉर, ओके बॉय, गर्ल, ट्रीज एंड डक्स, बॉय, गर्ल, ट्रीज एंड डक्स, ट्रीज, ओके ट्रीज एंड डक्स, ट्री भी प्लूरल है ट्रीज। इस पे लुक एट द पिक्चर अगेन एंड डिस्क्राइब द पिक्चर, अब पिक्चर को फिर देखिए और डिस्क्राइब करना है, पिक्चर के बारे में आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं
मे बी फाइव सेंटेंस यू कैन मेक, टू और थ्री, थ्री सेंटेंस, फोर सेंटेंस, फाइव सेंटेंस, वॉट एवर यू कैन, वॉट एवर डू यू यू नो यू कैन मेक, यू कैन राइट. नंबर वन, आई थिंक नंबर वन, दिस पिक्चर वी कैन सी अ स्मॉल बॉय एंड अ गर्ल. नंबर वन सेंटेंस आई विल राइट हियर, वी कैन सी अ स्मॉल बॉय, वी कैन सी अ स्मॉल बॉय एंड अ गर्ल, वी कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, एंड नंबर टू, दे हैव कम फॉर अ पिकनिक. लग रहा ना, पिकनिक लग रहा है. दे हैव कम फॉर अ पिकनिक, एक पिकनिक के लिए आए हैं. गार्डन में दिख रहे हैं तो खाने का सामान दिख रहा है, पिकनिक में. दे हैव कम फॉर अ पिकनिक. नंबर थ्री सेंटेंस, दे आर सिटिंग बिसाइड अ पॉन्ड, बिसाइड अ, दे आर सिटिंग बिसाइड अ पॉन्ड ऑन अ मैट, ऑन अ मैट. ओके, दे आर सिटिंग बिसाइड अ पॉन्ड ऑन अ मैट. देर इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, देर इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई या प्रीटी बटरफ्लाई, ब्यूटिफुल बटरफ्लाई. ओके, देर इज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई एंड देर इज टू डक्स. ओके, देर इज टू डक्स, देर आर टू ट्रीज. ओके, देर आर फ्लावर्स, यू कैन सी फ्लावर्स. सी कैन राइट मेनी मोर सेंटेंस अकॉर्डिंगली इन दिस, इन दिस पिक्चर. ओके, यू कैन राइट नाउ इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीन शॉट, ऑल्सो यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीन शॉट. नेक्स्ट इज पेज नंबर 31, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31, फन टाइम. बच्चों, इनमें से जो आपको नोटबुक में करना है वो मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपको नोटबुक में क्या क्या करना है. बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करने हैं, वो आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, है ना. नोटबुक में जो करना है वो आपको बता दूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें. कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा तो उसके रिप्लाई भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है. ओके, फन टाइम, अजीत लव्ड फ्लावर्स, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ. उसको गार्डन चाहिए. मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, ही सेड वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश. हाहा, अजीत लव्ड, a garden in a dish. Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in a dish. Plant very tiny plants in it and place the dish on the windowsill. Windowsill मतलब होता है जो खिड़की होती है, खिड़की, खिड़की का जो खिड़की का जो नीचे का हिस्सा था उसको विंडो सील बोलते हैं, ये वाला, है ना. जैसे ये खिड़की है तो इसका जो है वो विंडो सील होता है, ठीक है. ये विंडो सील, विंडो सील. ओके, सो अजीत क्या है कि उसको फूलों से बहुत प्यार होता है, तो आप सभी भी एक प्लांट लगाएंगे. ओके, कोई भी प्लांट, उसकी केयर करेंगे, उसकी पिक लेंगे और वो पिक मेरे को ज़रूर सेंड करेंगे, ठीक है, ठीक है. और उसको आप वीकली या फिर 15 डेज, 1 मंथ्स उसको चेक करते रहेंगे कितना ग्रो करता है ना. ये सब आपको देखना है, क्लियर है. तो कोई भी प्लांट आप लगाइए, छोटा बड़ा, और
लेकिन वो पॉट में लगाना है आपको, फ्लावर पॉट में लगाना है ना, जैसे इसमें डिश में लगाया वैसे फ्लावर पॉट में लगाना है, ठीक है? ओके नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर टू। ग्लास ब्रेक्स इजीली, ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, जब वो गिरता है तो वो जल्दी से टूट जाता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पोट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली, सर्कल द थिंग्स दैट कैन। जो जल्दी से टूट सकता है उसको सर्कल करना है। सो स्पून किसके, ग्लास की है, यस टूट सकती है। प्लास्टिक बोतल नहीं टूट सकती जल्दी से, बुक्स नहीं टूट सकती, कप प्लास्टिक कप है तो नहीं टूट सकता, फ्लावर पोट, फ्लावर पोट किसका है, किस चीज़ का बना है, मड, यस मिट्टी का है, टूट सकता है। टेबल सब प्लास्टिक, वुडन टेबल ये भी नहीं टूट सकती। सो इसमें दो में सर्कल किया हमने। तो ये सब क्वेश्चंस आपको क्या है कि बच्चों टेक्स्ट बुक में करना है ना, ये वाला टेक्स्ट बुक में करना है। आपको नोटबुक में करने के लिए वर्ड बिल्डिंग है, रीडिंग इज फन वाला है, रीडिंग इज फन है, नोट हैंड राइटिंग है, वर्ड न्यू मीनिंग है ना, वर्ड बिल्डिंग है, ये आपको नोटबुक में करना है। फिर अभी जो मैंने पढ़ाया पीछे का चैप्टर नंबर, पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर टू, ये भी आपको नोटबुक में करना है। इनमें से आपको नोटबुक में नहीं करना है कोई भी, ठीक है? और ये आपका होमवर्क रहेगा इस चैप्टर का, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क, ये आपको होमवर्क में करना है। इसको कंप्लीट आपको करना है और इसकी फोटो लेके मेरे साथ शेयर करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी एंड अनहैप्पी, कौन से एक्शंस हो सकते हैं जो दूसरों को खुश करते हैं या नाराज करते हैं। तो इसका फोटो, इसका एक काम आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क नंबर वन है ये, होमवर्क नंबर वन लगा लीजिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प से करेंगे आप, आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। एंड दिस इज होमवर्क नंबर टू, होमवर्क नंबर टू। तो हम होमवर्क वन और होमवर्क टू ये दोनों आपको करना है, दोनों क्रिएटिविटी होमवर्क हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे और आप मुझे 1 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं ये होमवर्क। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, द लिटिल फर ट्री इज कंप्लीटेड नाउ एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फॉर अपकमिंग वीडियोज़। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।